गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चैप्टर 7 कर रहे हैं हम। तो आज करेंगे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जो लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, वो होती हैं लाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल है, देखो 1/5, 2/5, 3/5, 7/5। इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सभी के सेम हैं, तो ये जो फ्रैक्शंस हुई ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। आगे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे वो होंगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आज हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में ऐड जब हम करते हैं तो सिंपली जो हमारा डिनोमिनेटर में होते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको हम एज इट इज ही लिखते हैं, और जो न्यूमिनेटर है उनको हम, अगर प्लस है तो उनको प्लस कर देते हैं और माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। 7+3 10, 10/12 ये जो हमारा आया आंसर। अगर आप यहाँ तक करते हो तब भी ठीक है, अगर आप इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो हमारा आंसर आएगा 5/6। यहाँ तक जो आंसर है ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक होता है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं इनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम वैसे ही लिखा जाता है, और जो न्यूमिनेटर हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो 3 में से बन गया 2, 2/7 आंसर। इसी तरह से आपने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 1 और 2 करना है। थैंक यू।